कत्था, कत्था पान के पत्ते से पान बनाते समय उस पर लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। यह चबाने पर लाल रंग देता है। रेडीमेड पान यानी पान मसाला जैसे उत्पाद और गुटखा तंबाकू के साथ पान मसाले के आने के बाद तथा लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कत्थे के उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है। कत्थे का उपयोग एस्ट्रिजेंट और शीतलन के रूप में तथा पाचन के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेदिक और यूनानी प्राचीन दवाओं की प्रणाली में कत्थे को उपयोग किया जाता है। कत्था गले, मुंह और मसूड़ों की परेशानी में आराम दिलाता है तथा खांसी और दस्त में भी उपयोगी होता है। इसे त्वचा के अल्सर, फोड़े और फुंसी के इलाज के लिए त्वचा पर लगाया जाता है। कत्था न केवल शरीर के दर्द के लिए उपयोगी है बल्कि अन्य बीमारियों के लिए बनने वाली दवाओं में भी उपयोग किया जाता है। कत्थे के फायदे। ऐसा माना जाता है कि कटेचू यानी खैर के पेड़ में ऐसे रसायन होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। हालांकि इस पर कोई प्रमाणिक आधुनिक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका उपयोग एक औषधि के रूप में होता रहा है। कत्थे के कुछ औषधीय फायदे ये हैं। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण को रोक सकते हैं। यह त्वचा के विभिन्न विकारों जैसे संक्रमण, एलर्जी और पिगमेंटेशन के इलाज के लिए भी जाना जाता है। ये प्राकृतिक जन्म नियंत्रण एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह दांत की समस्याओं का इलाज करने में भी प्रभावी है। यह मुंह साफ करने वाले उत्पाद में एक घटक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शहद के साथ मिक्स करके इससे दस्त का इलाज किया जा सकता है। यह पाचन तंत्र को ठंडा रखता है। यह खून साफ करने का काम भी करता है। कत्थे के कुछ नुकसान यह है। कत्था उपयोग करने से सामान्य तौर पर कोई हानिकारक प्रभाव पर वैज्ञानिक शोध के अभाव के चलते इस पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। अधिक मात्रा में कत्था पथरी का कारण बन सकता है। लाल कत्था आमतौर पर पान में उपयोग किया जाता है। इसका औषधि के रूप में उपयोग नहीं होता है। औषधि के रूप में केवल सफ़ेद कत्थे का ही उपयोग करें। कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।